स्टॉक सकता हूँ पहले, जो कि एज ए ट्रेडर आपको रखने चाहिए नज़र में। आप BHEL, BEL और अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ स्विंग आ रहे हैं, आप NMDC पर नज़र रखिए। और मानस, मैं आपके पास सबसे पहले आऊँगा, एक ऑप्शन ट्रेड अगर शुरू में देखना चाहें, अपोलो टायर्स 49450 व्यू, कोई कॉल पकड़नी है तो पकड़ लें इसकी, क्या सबसे ज़्यादा इंप्रेस करता हुआ आज, कल और परसों की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ, आपका टेक, इसकी कोई कॉल और आपका ट्रेड इस वक्त का पहला ट्रेड? तो देखिए, अपोलो टायर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो 500 वाला कॉल ऑप्शन अपोलो टायर्स का बिल्कुल लिया जा सकता है। उसके प्राइस जो है वो 9 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो 7.70 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए। 14 से 16 रुपए तक के टारगेट आपको अपोलो टायर्स के 500 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक बात एक फ्रेश ट्रेड की है, कल का ही रिकमेंडेशन, कल जो मैंने रिकमेंड किया था BTST की तरह, गेल गैस अथॉरिटी, वहां पर ही रिकमेंडेशन रहेगा। कल अगर खरीदारी नहीं की तो आज खरीदारी करिए, 205 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 211 से 212 रुपए तक के टारगेट आपको गेल में देखने को मिल सकते हैं। का कन्विक्शन, कल BTST करा, आज 0.25% गैप के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने ट्रेड बढ़िया ग्रिप में है। इवन चाहें तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, खुलने के बाद गेल में और तेजी तूल पकड़ेगी। ये मानस का आज का क्विक सिंगल के लिए, डायरेक्टर स्टिंग प्ले कर दिए साथ साथ, क्विक सिंगल है पहला, गेल आपकी स्क्रीन पे। सचिन, खुलने के बाद क्या स्पॉट किया है? ऑलरेडी मानस ने गेल कवर किया है, NMDC में भी ऑलरेडी एक अच्छी चाल बन रही है, बट जो थर्ड स्टॉक मेरे रेडार पे था वो था MCX का। यहाँ पर पिछले ट्रेडिंग सेशन का स्विंग हाई निकालने की ऑलमोस्ट तैयारी हो रही है, सो 4050 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 4010 के आसपास प्लेस करना है, एंड मुझे लगता है थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड मूव हो सकती है 4100 तक की, तो यहाँ पर खरीदारी करनी है MCX पर। ओके, MCX पे आपका बाय ट्रेड है। रचना जी, रचना जी को स्क्रीन पे दिखाइएगा। अच्छा, रचना जी का जो ट्रेड था पहला वो था HDFC बैंक, मैं HDFC बैंक की एक प्रॉपर्टी लिख के बैठा हुआ था। रचना जी, आज इसने अटेम्प्ट किया अपना पहला 10 डे मा, जो कल का हाई था, अभी तक तो सक्सेस नहीं हो पाया, बट इट्स स्टिल 1465 पे, अभी क्या पिक करेंगी पोस्ट ओपनिंग? जी, अभी मैं पोस्ट ओपनिंग के लिए VEDL को चूज करना चाहूंगी। VEDL की रफ्तार ऐसी तेज है, अभी 3 अप्रैल को ये काउंटर 300 पे था और 300 में से 450, मतलब 50% राइज वो एक महीने डेढ़ महीने में दिखा चुका है, तो कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से चल रहा है। एंड फिलहाल भी यहाँ पे कोई ओवर स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं नजर आ रही, तो फर्दर मोमेंटम यहाँ पे बिल्ड हो सकता है। फिलहाल मई के फ्यूचर्स 451 के करीब है, ये बहुत ही जल्दी 455 एंड 60 की तरफ जा सकते हैं। डाउनसाइड पे सपोर्ट के लिए 447 के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, वेदांता 451 पे। अमित जी, आपके ट्रेड पिक करेंगे? जी विरेन जी, मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ जाना चाहूंगा, काफी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग चार्ट है इस, यहाँ पे हमने एक साइडवेज नैरो रेंज कंसोलिडेशन देखा। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक कंप्रेस्ड जोन से बाहर आ रहा है, बोलिंजर बैंड पे भी एक ब्रेकआउट है, मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी पॉजिटिव है। 481 का प्राइस है, 474 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 495 का। ओके, ये हो गए खुलने के बाद हमारे पैनल के बढ़िया से पिक्स। मानस ने गेल पे दाव लगाया, बढ़िया ट्रेड ग्रिप में है और फ्रेश एंट्री के मौके भी दे रहा है, जिन्होंने कल राइड कर रखा है भाई हमारे साथ, अब वो आपके स्टॉप लॉसेस देख लीजिए, 205 पे खड़े हुए हैं। सचिन ने MCX, उनको भी गेल पसंद आ रहा था बाय द वे, और दूसरा प्रेफर्ड पिक MCX है, 4010 के SL के साथ तेजी करी है। रचना जी ने जब बोला तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मुझे लगा धीरे धीरे बोल रही हैं, वो तो डायरेक्टर साहब को आदत है, बोले VEDL बोल रही हैं, तो VEDL यानी कि वेदांता पे दाव लगाना है 447 के स्टॉप के साथ, तेजी करिए भाई, मेटल आ गया रडार पे, वो स्क्रीन पे दिखा भी रहा है, इंडेक्स अच्छा कर रहा है आज। सेठ साहब, एक्साइड इंडस्ट्रीज पसंद कर रहे हैं, खरीदने का मन 474 के स्टॉप के साथ। अब आइए जरा आज जो इतने सारे स्टॉक सुबह सुबह मेंशन कर रहे थे उनके रिएक्शंस बता देता हूं। निफ्टी का नंबर JSW स्टील 2% कमजोर इस समय ट्रेड करता हुआ, इंटरनल्स अच्छे हो सकते हैं, हेडलाइन नंबर्स एक मिस थे शायद, उस पर रिएक्शन है।
जाइडस लाइफ हर पैरामीटर पे स्ट्रांग था, अपन ने चर्चा करी थी, 5% का कैप है आज लगा हुआ है 5% के सर्किट पे। एस्ट्रल वीक थे वो, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करे थे, रेवेन्यूज भी मेरे ख्याल से ठंडे थे जब अपन ने रिजल्ट देखे थे, 4% कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की चर्चा हुई थी, स्ट्रांग नंबर्स थे, वॉल्यूम लेड ग्रोथ थी, बालकृष्ण 5% के सर्किट पे खड़ा हुआ है एज वी स्पीक। बंधन इंटरनल्स गड़बड़ाए हुए थे, हेडलाइन ठीक लग रहा था, एसेट क्वालिटी दिख रहा था, ग्रॉस एनपी नेट एनपी शुरुआत लड़खड़ाती हुई हुई, लेकिन अब शुरुआती ट्रेड में ही लोअर लेवल से एक रिकवरी के मूड में नजर आ रहा है। जी एंटरटेनमेंट मेरे ख्याल से जहां जहां रेवेन्यू इबिटा प्रॉफिट स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर था, लीजिए रिएक्शन भी बढ़िया सा आपकी स्क्रीन पे, 4.5% का उछाल। बलरामपुर फीके से थे, फीका सा रिएक्शन स्क्रीन पे दिखा दीजिए, एकदम फ्लैट है, शायद स्लाइटली इन रेड, अब रिकवर करने की कोशिश करता हुआ। अब आइए कैश के नंबर्स पे, जहां पे मूव्स तगड़े हैं वो दिखा देता हूं आपको। भारत बिजली अच्छे नंबर्स, 5% ऊपर, ये सब सर्किट है, 5% मतलब आज सर्किट फिल्टर लग गए, कैप लगा हुआ है। सुदर्शन केमिकल्स अच्छे नंबर्स, 5% सर्किट। फीनिक्स मिल्स टॉपलाइन ग्रोथ अच्छी थी, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन स्ट्रीट को पसंद आ रहा है वो टॉपलाइन ग्रोथ पे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, 4% की मजबूती के साथ फीनिक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। वीरो ये तो खैर रिजल्ट रिएक्शंस हैं या खबरों के रिएक्शंस हैं, एक डिलीवरी देखना है मुझे, डिलीवरी फ्लैट है बल्कि हरियाली है, 2/3% उछाल है, नंबर्स ठीक थे लेकिन एक रेजिग्नेशन था, पर स्ट्रीट हाथों हाथ ले रहा हूँ नंबर्स को, 2/3% खैर वो मजबूती के साथ। वीरो तो खैर रिजल्ट रिएक्शंस क्या स्पॉट कर रहे हैं इस समय? आशीष मेरे को लग रहा है निफ्टी मेटल आज एक और करिश्माई पारी खेलने को तैयार है। VDL अभी पिक किया रचना जी ने, एक बार लिखे आई आप आपकी स्क्रीन पे स्टॉक रखता हूँ। NMDC किसने पिक किया था? मेरे ख्याल से NMDC किसी ने पिक नहीं किया था, NMDC लिख के आइएगा। NMDC करीब 279 पे जनाब, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा सचिन जी ने जिक्र किया था, फिर लेके आई आप सेल का जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, सेल 169.25 पे एक बड़े ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर करता हुआ, एक टिपिकल नेकलाइन ब्रीच। सचिन 170 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ, लुक एट मेटल इंडेक्स, क्या व्यू है आपका इस वक्त सेल पे? वीरेंद्र जी एकदम स्पॉट ऑन पकड़ा है आपने, 170 का ही वो बैरियर है, अगर ये निकल जाता है जहाँ पे काफी दिनों से कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंटली यू नो अपने पोजीशंस बना रहे थे, अगर ये लेवल निकल जाता है तो लगभग मुझे लग रहा है जो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है डेली स्केल पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट 178 से लेके 190 तक के एक्सटेंडेड है, तो मुझे लग रहा है एक काफी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में बन सकती है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़े से डिक्लाइंस भी अगर होते हैं तो खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। एक अच्छा इंट्राडे बेस मुझे लग रहा है कहीं जाकर कल के सत्र में 165 के आसपास बना था, आई थिंक 165 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़े से पोजिशन लॉन्ग्स रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही क्लोजिंग 170 के ऊपर एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है 190 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन हो सकती है, तो जरूर अपने बाइंग रेडार में। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल और बैंकों में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स एक माइलेज क्रिएट करता हुआ इस छोटे से सेशन में, और यही एक कारण है कि बैंक निफ्टी अब डे हाई ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। देखिए सुबह के उस शुरुआती टिक पर बिलीव मत कीजिएगा, बट धीरे धीरे 48.171 पे जाता हुआ मैं एक आपके स्क्रीन पर स्टॉक रखता हूँ, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को आज इस छोटे से सेशन में आप अगर देखेंगे ट्रेड करते हुए, आपको ये मूव बहुत छोटा सा नजर आएगा, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कल की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ। रचना जी ये वो स्टॉक है जिसने स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे रीगेन किया, और मेरे ख्याल से अगर इस ट्रेजेक्ट्री में कुछ रहा तो एटलीस्ट हमें एक 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर मिलेगा। आपका व्यू 1700 पे? जी ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है और इसकी स्ट्रेंथ आगे इसको और फर्दर 1730 तक लेके जा सकती है, अभी 1705 पे है तो यहाँ से 20-25 रुपए की मूवमेंट और फर्दर बन सकती है। डाउनसाइड पे 10-12 रुपीज का भी SL अगर मेंटेन करेंगे तो ये चीज वर्कआउट होनी चाहिए, इस काउंटर में काफी स्पेस अवेलेबल है अपसाइड पे। ओके अच्छा इस बीच
सचिन ने कुछ स्पॉट कर लिया। अच्छा आप लोग जो ताबड़तोड़ स्पॉटिंग कर रहे हैं एक चीज ध्यान रखिए, कुछ देर बाद फिर स्पॉटिंग करनी है आप सबको, चार का चौका भी लेकर आऊंगा, अभी टीजर लेकर आता हूं। लेकिन सचिन खैर डार पे आ रहा है भाई, यहाँ पर नालको में मुझे लग रहा है जो एक कल की सत्र में तेजी थी वो एक्सटेंड हो रही है, एंड 195 के आसपास एक अच्छा बेस है, 198 के आसपास इसके फ्यूचर्स है, 205 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है थोड़े से यू नो कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स रखने चाहिए। यहाँ पर जो बिल्टअप है मुझे लग रहा है थोड़ा सा सस्टेनेबल है, एंड काफी दिनों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है। आई थिंक नालको में 205 के लक्ष्य के लिए थोड़े से लॉन्ग पोजिशन डिप्लॉय कर। जी हाँ, और अब देखिए जरा आप, मैंने आपको जो पहला स्टॉक बताया था आज BL, जरा वो लेके आइएगा 256। होता क्या है, एक जब भी HL बड़ा मूव ले लेता है ना, उसके दो तीन दिन बाद, जैसे HL ने परसों अर्निंग्स के बाद एक बड़ा वाइल्ड मूव दिया, ऑल दो ये उस पेडिग्री का स्टॉक नहीं, मतलब उतना एग्रेसिव नहीं है, बट उस डिफरेंशियल को ये पूरा करने जाता है, और ये कल भी चला और उतने ही अगर आप देखें बड़े मैग्नीट्यूड के साथ आज भी चल रहा है डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। बट अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट स्विंग अच्छा है। और थोड़ा सा और कुछ बास्केट्स को खंगालते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। एक बार आप लेके आइएगा अशोक लेलैंड, ये अशोक लेलैंड में मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है अमित। अशोक लेलैंड ऑल दो अनचार्टेड टेरिटरी है, ऑल टाइम हाई का जोन है, अभी इसे आप हाथ लगाना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे, बट ओवर हीटेड स्टॉक है इस वक्त, ये स्ट्रॉन्ग मूव। वीरेन जी इनफैक्ट कल रिकमेंड भी किया था अराउंड 286-287 के लेवल्स पे, तो काफी अच्छा शानदार ब्रेकआउट है, किसी की पोजीशन है तो अब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें लगभग 206 के आसपास। मुझे लगता है ये स्टॉक 220-225 की तरफ एड कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो डेट विल ओनली बी ऑन डेप्थ। मेटल की आप चर्चा कर रहे थे, वेदांता 4% तक उछाल दिखा चुका है, वो VEDL। रचना जी बांध लिया जाए, बढ़िया हो गया सुबह सुबह, लेकिन आपको लग क्या रहा है इवेंचुअली कहां तक जाने की तैयारी कर रहा है? अपना टारगेट तो आ गया पहला वाला 465 आ गया, एक बार इंटरटेन दिखाइएगा, 65 नहीं है 60 तो हो गया अपना पूरा, 65 तक ले राइड करें जी। मेरे हिसाब से एक बार ही को बुक आउट कर ले तो कोई गलत बात नहीं, इंटरटेन डिप के बाद वो दूसरी अपॉर्चुनिटी देगा फ्रॉम लोअर लेवल्स, तो हम फिर से एंटर करेंगे, फिर से चेस करेंगे। अच्छा गौरांग सर है क्या? गौरांग सर क्रॉम्पटन कल रिजल्ट तो ठीक दिख रहे थे यार, ऐसे मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक थे, अब उसमें इंटरनल्स में लोग कह रहे थे कि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली साइड अच्छा कर रही है, रिजल्ट रिपोर्ट जो ब्रोकरेज की आई थी, पर कल क्या मूव बना उस स्टॉक में, आज उसके ऊपर फिर 3.5% का उछाल, 400 के पार आके खड़ा हुआ है, ये हो क्या रहा है क्रॉम्पटन में, आप लोग क्या कर रहे हो इस पे? तो पहले तो बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, ये अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना, और करीबन 250-350 से खरीदारी की राय दी थी, और पहला लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया था वो था करीबन 345 के आसपास का, वो आने के बाद स्वाभाविक है बुनियादी तर्क के आधार पर मुनाफा वसूली की राय दी थी, फिर नतीजे देखने के बाद हमने जो खरीदारी बिकवाली की राय थी और बिकवाली की राय को फिर से हमने निवेश बनाकर रखने के लिए राय दी है, और ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल और बाकी अन्य जो कारोबार है उससे आने वाले भविष्य में जो योगदान आएगा और मैनेजमेंट की जिस तरीके से टिप्पणी है, हमें लग रहा है कि करीबन 450-500 तक के लक्ष्यांक आपको शायद मध्यम अवधि के आसपास दिखाई दे सकते हैं, तो अगर आपका निवेश है तो बने रहे। 400-500 तक के लक्ष्य नजर आते हैं क्रॉम्पटन कंज्यूमर में, कलावास का टॉप वो क्या बिग स्टॉक था, उसके बाद से क्या मूव बने इसमें। सेठ साहब क्रॉम्पटन चार्ट्स पे कैसा, फंडामेंटली गौरांग सर ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिया अभी दमकम है, चार्ट्स पे अब समीकरण कैसे बैठ रहे, ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया? जी आशीष जी, वीकनेस तो कहीं नहीं है लेकिन स्ट्रेच डेफिनेटली हो गया है, इसका ब्रेकआउट लगभग 340-345 के लेवल्स में आया था, वहां से स्टॉक 50-60 रुपए बढ़ गया है, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 398 के आसपास और टारगेट्स ऑफ 420-425। फ्रेश पोजीशन थोड़ी सी बनानी है इस समय मुश्किल हो जाएगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, फ्रेश पोजीशन नहीं, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिस्क, बाकी बहुत तगड़े मूव बन गए सवा ट्रेडिंग सेशन में कह लीजिए। अच्छा चार के चौके का टीजर देता हूँ ताकि हमारे पैनल के पास समय रहे कुछ बढ़िया से स्टॉक्स ढूंढ के आइडेंटिफाई करने के लिए।
सस्ता ऑप्शन दिखाइए सचिन को स्क्रीन पे। सचिन एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन आइडिया के लिए 5-7 मिनट बाद आपके पास आएंगे। एफएनओ सुपरस्टार के लिए भोपाल जाएंगे रचना जी के पास, एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक, और एक और आएगा वेदांता के अलावा। चार्ट का चमत्कार कोलकाता से सेठ साहब मदद करेंगे। अब वायदा का हो कैश का हो आपकी मर्जी, एक बढ़िया सा चार्ट का आइडिया आप रेडी रखना। और एक मिड कैप फंडा के लिए, एक ब्यूटीफुल मिड कैप, इंटरेस्टिंग मिड कैप पहले ही आ चुका है, स्वराज इंजन। देखते हैं आज चार का चौका में मिड कैप फंडा का आंसर कौन सा सेलेक्ट करते हैं। तो इन चारों के पास थोड़ी देर में अपन चलेंगे। अच्छा, इस बीच इस पैनल को दिखाइए फिर से डॉक्टर साहब, ये मॉर्निंग पैनल वीरू, इस पैनल में कुछ बदला सा दिख रहा है, गाबा सर नहीं दिख रहा, आपने नोटिस करा सुबह से? मैं बहुत देर से सोच रहा था, जब अशोक लेलैंड का जिक्र कर रहा था ना मैं, हाँ, तो मैं सोच रहा था भाई कि कहाँ चले गए गाबा सर, मैं उनकी कॉल थी। हाँ जी, ये क्या सैटरडे छुट्टी पाल ली क्या आपने? नहीं नहीं, मुझे बोला गया था आपका 11:30 बजे, आपका सुबह नहीं है ऐसा मुझे अपर्णा ने बताया। ग्यारह बजे से अपन बैठेंगे, 11 बजे बैठेंगे, मुझे ऐसा बोला गया था, तो बोला ठीक है। तब ठीक है, मैं मिस कर रहा था आपको, फिर वीरू भी कह रहे थे गाबा सर कहाँ है, वो अपसेट सा फेस उन्होंने इमोजी भेजा, तो मैंने कहा फोन लगा के पूछ लेते हैं। आपको थोड़ी दुख होता है? दुख तो बहुत उनको, वो करते हैं, आप थोड़ी मिस करते हो। 11 बजे हम सब होंगे, गाबा सर भी पैनल में जुड़ेंगे। अब अगला शो जब आएगा वो 11 बजे आएगा, ये टीजर भी हो गया। गाबा सर थैंक यू सो मच, इंतजार कर रहा हूँ आपका, हम दोनों इंतजार कर रहे हैं आपका। लव यू टू गाबा सर। मेरे कुछ स्टॉक स्पॉटिंग हो जाए। अच्छा एक टीजर दे देता हूँ, कुछ देर में यतिन जुड़ेंगे, इलेक्शन और बाजार पर एक ब्यूटीफुल सी ब्रोकरेज रिपोर्ट है उस पर चर्चा, और इसी शो में आगे सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम सर भी होंगे, तो इलेक्शन रिलेटेड, बाजार का मूड, फंड का अप्रोच, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। इस बीच वीरू के पास चले कुछ और ताबड़तोड़ स्टॉक्स की चर्चा। जी देखिए, फार्मा में थोड़ी बाइंग आ रही है, जरा एक बार अरविंदो फार्मा लेके आइए, मैं थोड़ा लेट हो गया, ये स्टॉक मैंने मार्क करके रखा था, एक बार टिक बाई टिक चार्ट रखिएगा। अब नहीं, मैंने ऑलमोस्ट 1185 बार आइडेंटिफाई किया था, बात छूट गई, 1205 हो गया, लेकिन एक बार लेके आइए आप, जरा हल्का सा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए डॉक्टर साहब, इसमें से कुछ ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो चल गया और विंडो फार्मा, डॉक्टर साहब इंडेक्स लेके आइएगा, और उसके बाद जरा एक एक करके यहाँ स्टॉक्स पिक करते हैं। मेरे ख्याल से अब स्टॉक जो कि एक स्विंग देने को तैयार नज़र आ रहा है आशीष, वह है ग्लेनमार्क। स्क्रीन पर रखिएगा, स्क्रीन पे प्लीज़, 1022 पे अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अच्छी प्लेसमेंट है। 1023 का भाव अमित जी, ऑलमोस्ट इस 1023-1024 इस भाव के पीछे लगभग एक महीने का कंसोलिडेशन है। 29 अप्रैल से अगर आप देखें ये स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री मेंटेन कर रहा है, आज 20 डे मार्क को स्ट्राइक करता हुआ, इसकी 1020 की या 1050 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे, क्या ग्रिप करना चाहिए इसको 1023? जी वीरन जी, अगर चार्ट देखें तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफी फेवरेबल है, स्टॉक ने 50 डेमा पे कंसोलिडेट किया, और अब आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि अपना ये 10 डेमा भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और आरएसआई में भी एक क्रॉसओवर यहाँ पे दिख रहा है चार्ट्स पे, तो 1050 की कॉल जरूर लेनी चाहिए। इसका प्राइस लगभग है, मैं बोल लेता हूँ जी, ग्लेनमार्क की 1000 मेरे ख्याल से 1060 की कॉल है, 1060 की कॉल वीरेंद्र चल रही है लगभग 20 रुपए के आसपास, इसे ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 14 एंड टारगेट ऑफ 32। बिल्कुल, फार्मा में एक बड़ा मूव आ रहा है, देखिए ग्लेनमार्क फार्मा का भाव क्या हो गया, अभी मैंने क्या कितने बोला था 1022 पे, भाव स्क्रीन पे लिखाइए फ्यूचर का जरा एक बार, 1037 हो गया स्क्रीन पे, 1037 ऑलमोस्ट, फार्मा में स्विंग अच्छे खासे मिल रहे हैं इस वक्त, स्विंग आ रहे हैं, इसको कुछ देर में देखूंगा मैं, 1038 अब ऑलमोस्ट। रचना जी, आपकी फार्मा में कोई स्पॉटिंग? जी जहां तक फार्मा की बात है तो यहां पे मूवमेंट तो आ रही है, एंड कुछ साइडस लाइफ वगैरह में अच्छी मूवमेंट है,
और अगर उसकी बात करी जाए फिलहाल 1103 पे है और यहाँ पे अपसाइड पे 1120 तक ये जा सकता है अगर यहाँ से ये फ्रीज खुलेगा और अगर दोबारा से ऊपर जाएगा तो। और उसके अलावा मैनकाइंड फार्मा में भी एक अच्छी मूवमेंट है, मैनकाइंड फार्मा में फर्स्ट डे ऑफ मूव है तो यहाँ से 2130 की तरफ एंड 2140 की तरफ ये काउंटर जा सकता है। ओके चलिए, कुछ स्टॉक्स की बातचीत हो गई और अब एक्सपर्ट्स के लिए जो रखा था चार का चौका, आई एम श्योर सब प्रिपेयर्ड होंगे, रेडी होंगे बढ़िया से स्टॉक आइडियाज के साथ।